साई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मुझे समझा दीजिए। मान लो लोगों की बातें इस नमक की तरह है और तुम्हारा दिलो दिमाग पानी से भरे इन बर्तनों की तरह। अगर तुम अपने दिलो दिमाग को इस छोटे बर्तन की तरह छोटा बनाओगे तो लोगों की कही बातें जैसा कि ये नमक है तुम्हारे मन में आसानी से जगह बना लेंगे, घर बना लेंगे और उसका नतीजा वही होगा जैसा उस छोटे बर्तन से पानी पीने से हुआ है। पर अगर तुम अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने दिलो दिमाग का थोड़ा सा विस्तार करते हो इस बीच वाले बर्तन की तरह, तो तुम्हें अपने चारों ओर सकारात्मकता नजर आएगी। लोगों की कही हुई बातें, उनके ताने, ये तुम्हें मामूली लगेंगे, ज्यादा असर नहीं डाल पाएंगे तुम पर। पर अगर तुम अपने दिलो दिमाग को इस बड़े बर्तन की तरह विस्तार दो और उसके बाद अपने चारों ओर देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि संसार में, इस दुनिया में अभी बहुत कुछ है करने के लिए और तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम बुरे लोगों और उनके विचारों के बारे में सोचो। उनकी बातें, वो जो तुम्हें ताने देते हैं, उनके बारे में सोचने के लिए समय ही कहाँ है तुम्हारे पास। इसलिए लोगों की कही बुरी बातें और बुरी बात कहने वाले लोग, इनको अपने जीवन में कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए। मैं समझ गया साईं, लोग क्या कहते हैं उसमें मेरा वश नहीं है, मेरे वश में जो है मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। अब से मैं लोगों के कहे हुए बातों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, बल्कि अपना कर्म करता रहूंगा। लोगों के शब्दों से हुए घाव भरने के लिए किसी दवाई, किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस थोड़े से प्रोत्साहन और एक नए नजरिए की। इसलिए अपने प्रियजनों को सदैव प्रोत्साहित करो, अपने शब्दों के प्रति सदैव सजग सावधान रहो और इस समाज के प्रति संवेदनशील। बहुत बड़ी सेवा आई है। सबका मालिक एक। ए वंदर 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 हनुमान है, हनुमान बु 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 बु। ए हनुमान बंदर बंदर, ए हनुमान बंदर, ए बु 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 बु। ए हनुमान बंदर बंदर बंदर, ए हनुमान, ए बु 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 बु। ए हनुमान बंदर। ये मालसापति जी की बहन पता नहीं रोज रोज मुंह में पानी लेकर क्या करती रहती है। इसकी शक्ल देखते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। मालसापति जी कितने भले आदमी हैं और इनकी बहन देखो। मालसापति जी की बहन की शक्ल देखते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। कैसी पागल की तरह रोज रोज क्या नया नाटक करती रहती है। मालसापति जी कितने भले आदमी हैं और इनकी बहन रोज रोज क्या नया नाटक करती रहती है। शक्ल देखते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं असफल रही साईं। कोई बात नहीं तुलसा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने कोशिश की, कल दोबारा कोशिश करना, लेकिन हार मत मानना। फिर तुम अपने दिलो दिमाग को इस बड़े बर्तन की तरह विस्तार दो और उसके बाद अपने चारों ओर देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि संसार में, इस दुनिया में अभी बहुत कुछ है करने के लिए। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम बुरे लोगों
और उनके विचारों के बारे में सोचो। पता नहीं किधर से आई है, सुबह से परेशान करके रखा है। नहीं से कुछ, से कुछ। इधर उधर भटकती रहती है, बच्चों को भी पागल कर देगी। पता नहीं रोज रोज क्या नया नाटक करती है। सखाराम की बातों में सच्चाई लगती है, क्योंकि जिस तरह से वो औरत मेरे पैरों पर पानी डालती जा रही थी, मुझे उसी समय अजीब लगा था। लेकिन मैंने सोचा पंडित का घर है, साफ सफाई पसंद लोग हैं, तो कुछ साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखते होंगे। केवल शक के आधार पर हम ना कह दें ये तो गलत होगा, और हो सकता है कि सखाराम को कोई गलतफहमी हुई हो। तो देखो तो उसने अपना मुंह कैसे फुला के रखा हुआ। अब तो देख लिया ना अपनी आंखों से, ऐसे घर की लड़की ब्याह के लाएंगे और बहू या उससे होने वाली संतान ऐसी अजीब हरकतें करने लगी तो ना जाने क्यों माधव और भामा ने मुझसे ये बात छिपाई। नहीं, मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कभी नहीं होने दूंगा। चलो यहां से। तुम्हें पता भी नहीं चला और तुमने अपना काम पूरा कर लिया। वाह तुलसा, तो ठीक है, वादे के मुताबिक ये रहा तुम्हारा इनाम। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पर याद रहे मुंह का पानी तुम्हें घर जाकर ही उगलना है, ठीक है? जा।
ये तो मेरी बेटी मंजरी के जैसे कपड़े हैं। चल भाग यहाँ से। अगर दोबारा तू यहाँ आई ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। चल भाग यहाँ से। जी भला करे। आ गए आप। इसमें क्या है दिखाइए ना। तुझे अपना काम कर। कहीं इसमें वो तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। हे देवा अब मैं क्या करूँ इनका। तू घूर क्यों रही है? तुझे रहना है तो रह, नहीं तो जा अपने बाप के घर। अरे हट यहाँ से। वजह से फूट आई है। तूने धक्का दिया ना मुझे? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अफसोस कि काश ये मैंने तोड़ी होती। फिर से पीनी शुरू कर दिया आपने, झूठ बोला ना मुझसे। अपने पैसे की पीता हूं, किसी और के पैसे की नहीं। तुझे पता है कितनी महंगी थी ये? अब कौन करेगा इसकी भरपाई? तुम। पैसा कमाया तूने कभी? नुकसान करके रख गया मेरा। क्या बात है, अपनी पत्नी को ऐसे फटकार क्यों रहे हो? एक समय पे आए आप साईं, मेरी मदद कीजिए। क्या बात है, इनके पीने की आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ कहो तो उल्टा मुझे पे गुस्सा करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं मैंने पीनी छोड़ दी है और दूसरी तरफ चोरी छुपे। ये देखिए ये रहा सबूत, विश्वासघात किया आपने मेरे साथ। बुआ बुआ देखिए मुझे ये क्या मिला। ये मेरा है, तुम्हारे लिए नहीं है। लाओ मुझे दो। नहीं ये मेरा है। अगर आपको ये चाहिए तो ले लीजिए मुझसे। देना मल्लारी। लीजिए देना। लीजिए दे। मल्लारी रुकना, मल्लारी देना। मल्लारी मल्लारी
मल्हारी, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रसोई खेलने की जगह नहीं है। यहाँ आग जल रही होती है, सारे बर्तन भी गर्म होते हैं, अगर एक भी गर्म बर्तन छू गया तो क्या होगा जानते हो? बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना कब तक बनेगा? तो किसने कहा था तुम्हें इतनी भाग दौड़ करने के लिए? सुबह उठते नहीं कि तुम्हारी मस्ती शुरू हो जाती है। हाँ, बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। वहीं मैं मदद करूँ? नहीं ताई, सारा खाना तैयार है, बस ये चावलों को खोलते पानी में डालना बाकी। आई भामा काकी आई है। लगता है भामा रिश्ता पक्का होने की खुशखबरी देने आई है। ताई ये पानी खोल जाए ना तो बस ये चावल डाल दीजिए, बाकी मैंने सब कर लिया है, कुछ करना नहीं। मैं हाँ? डाल। टूटा हुआ बर्तन दिख रहा है, इस शराब पर खर्च हुए पैसों की चिंता है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी पत्नी के चेहरे पर चिंता की जो लकीरें हैं वो तुम्हें नहीं दिखती। तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि वो तुमसे कितना प्रेम करती है और उसे अपनी नहीं केवल तुम्हारी फिक्र है। वो तुम्हारे लिए चिंतित है और तुम अपनी पत्नी को ऐसे डांट फटकार रहे हो जैसे वो तुम्हारी शत्रु हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी सेहत की इतनी फिक्र है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं, मैं जानता हूं कि ये मेरे भले के बारे में सोचती है, लेकिन साईं इसे भी तो समझना चाहिए ना कि आदत जाते जाते जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने सच में बहुत कम कर दी है पीनी, आप चाहे तो पूछ सकते हैं इससे। पहले मैं रोज पीता था सरेआम, लेकिन अब 10-15 दिन में तलब लगती है, एक बार पी लेता हूँ वो भी छुपा के। धीरे धीरे ऐसी आदत छूट जाएगी साईं, क्या इतना काफी नहीं है? मैं इसकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या इससे सहयोग नहीं करना चाहिए? लेकिन ये मुझ पर हमेशा शक करती है, मुझे ऐसे घूर के देखती है जैसे कोई मैं चोर चक्का हूं। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का शैतान बोल रहा है और वो शैतान तुम्हें ऐसे ही बहानों से लुभाता रहेगा कि धीरे धीरे छोड़ दूंगा, आज आखिरी बार, आखिरी दिन, खास दिन है, खास मौका है, और बस तुम ऐसे ही मकड़ जाल में फंसे रहोगे। विनोद, ये निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हो या नहीं। तुम जानते हो ये बुरी आदतें ये एक बीमारी की तरह होती हैं। इन्हें छोड़ने के लिए किसी खास दिन या खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। जितना समय लेते जाओगे हालत उतनी ही बिगड़ती जाएगी। साहिब, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा एक काम करोगे मेरे लिए? सॉरी। ये घास देख रहे हो, इसे मेरे लिए जड़ समेत उखाड़ कर लाओ। हाँ,
पर याद रहे, जड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उखाड़ने में दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। अब जाओ, इस पौधे को भी जड़ से उखाड़ कर लाओ। ज़ाइम, वो पौधा तो अच्छा है। परेशान मत हो विनोद, जैसा कहा वैसा ही करो। उखाड़ो। साई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सबुरी विनोद, सबुरी। समय आएगा तो सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। बस अब तुम मेरा आखिरी काम और कर। अब ये मत कहिएगा कि मैं उस पेड़ को जड़ समेत उखाड़ कर ले आऊं। गाड़ी के सामने क्यों आई तुम? हटाओ मेरी आंखों के सामने से इस मनुष्य बिल्ली को। अरे इनको तो लकवा मर गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है।